हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं। तो सुनिए चुटकुला भाई। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं। गौर करिए शब्दों पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो लोग पढ़ते हैं यानी जो पढ़ते हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में उन्नति करते हैं, और जो पढ़ते हैं यानी पढ़े रहना जिसको कहते हैं, वो पढ़े ही रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते और उनकी दुनिया उनका बिस्तर ही रह जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े नहीं रहें बल्कि पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को बदलना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा ये पहला सेंटेंस है, राम सेड टू ललित, हरी मेक्स काइट्स। तो प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसको हमको करना है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस जो होता है वो दो भागों में बटा रहता है, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है वो तो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ले जाते हैं किसी सेंटेंस को, तो उसमें कई तरह के हम परिवर्तन करते हैं। जैसे टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं, दूसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते हैं, और तीसरा एडवर्ब संबंधी परिवर्तन करते हैं। एक चीज़ ये है कि इनडायरेक्ट में ले जाने पर इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं और दोनों सेंटेंसों के बीच में कोई ना कोई एक कनेक्टिव लग जाता है। इसके अलावा सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, जब वो इनडायरेक्ट में आता है तो हमेशा सिंपल सेंटेंस बन जाता है, उसमें फुल स्टॉप ही लगता है। चलो इसको हल करते हैं। ये देखिए, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल है, और इस तरह के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दोनों टुकड़ों के बीच में दैट कनेक्टिव लगा देते हैं और सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। पहली चीज़ तो इसको हमने किया, तो राम टोल्ड ललित, राम टोल्ड ललित, और दोनों के बीच में जो है हमने दैट लगा दिया, दैट। और फिर हरी मेक्स काइट्स, तो हरी नाम है तो इसको नाम ही लिखेंगे, हरी मेक्स। अब ये जो क्रिया है ये चेंज हो जाएगी, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, यानी मेक का मेड हो जाएगा, मेड काइट्स, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगा। लेकिन ये सारे परिवर्तन कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता। चलो नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड वाला देखिए आप, अलका सेड टू हरी, अलका सेड टू हर, आई हैव गॉट ए न्यू ड्रेस। ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू को तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो ये टोल्ड हर, और दोनों सेंटेंसों के बीच में कनेक्टिव लग जाता है दैट। ये दो चीज़ आप देख लिया आपने, दोनों चीज़ें यानी सिंपल सेंटेंस में सेट टू बदल जाता है टोल्ड में, और दोनों सेंटेंसों के बीच में कनेक्टिव लग जाता है दैट। और बाकी परिवर्तन तो होंगे। अब ये प्रोनाउन आ गया आई, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी अलका के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अलका लड़की है तो सी, और हैव का हो जाएगा हेड। फिर आगे करिए, गॉट ए न्यू ड्रेस, यानी ये इस तरह हो गया। अब अलका टोल्ड हर दैट सी हैड गॉट ए न्यू ड्रेस। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पूर्वा आस्केड हिम, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है यानी इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें थोड़ा सा और अंतर आ जाता है। जैसे उनमें ये जो सेट टू होता है तो वो आस्केड में चेंज होता है, आस्केड ये तो आस्केड ही रहेगा। इसके अलावा जो कनेक्टिव है वो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव बन जाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इफ़ या वेदर कनेक्टिव लगता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी पूर्वा आस्किड हिम, इसको तो ऐसे लिख दो आप, पूर्वा आस्किड हिम, और कनेक्टिव लग गया आपका वेयर, यानी वेयर है तो ये वेयर ही कनेक्टिव आपका हो गया। अब आप देखिए, अब आपको कर्ता लिखना है, पहले कर्ता कौन है? यू। इसमें तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये क्या बन जाएगा? वेयर ही, वेयर ही, और इज एम आर वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे, तो ही वाज, वेयर ही वाज लिविंग, वेयर ही वाज लिविंग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मोहित सेड टू मी, आई एम योर एनिमी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, यानी मोहित, मोहित टोल्ड मी, और दैट कनेक्टिव लग जाएगा, दैट दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मोहित की अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ही बन जाएगा, और एम जो है वो बाज में चेंज हो जाएगा। ये योर यहाँ पर आ गया, योर भी प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर है तो ये माई हो जाएगा, माई एनिमी।
माई एनिमी, यानी ये हमने इसको चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में, यानी मोहित टोल्ड मी दैट ही वाज माई एनिमी। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग डायलॉग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट्स एंड गिवन हिंट्स, यानी कभी कभी इस तरह कुछ सेंटेंस डायलॉग के हिसाब से आते हैं और उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। जैसे पहला है रेखा, यानी रेखा और मोहन की यहाँ पर बात हो रही है, रेखा और मोहन की बात हो रही है, और रेखा कह रही है डिड यू फाइंड माई बुक, डिड यू फाइंड माई बुक, तो इसी को आपको चेंज करना है। यानी यहाँ पर ये प्रश्न है, यानी क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियमों को हम फॉलो यहाँ पर करेंगे। और इतना आधा तो इन्होंने लिख ही दिया कि रेखा आस्किड मोहन इफ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ यहाँ पर कनेक्टिव लग गया। अब आइए आपको कर्ता लिखना है यू, यू क्या है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा इफ ही। अब ये फाइंड क्रिया की पहली फॉर्म होगी तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी फाउंड। अब ये फिर एक और प्रोनाउन आ गया माई, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रेखा के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये हो जाएगा हर, हर, यानी इफ ही फाउंड हर बुक। ये इस तरह आपका हो गया, फुल स्टॉप यहाँ पर लग गया, यानी रेखा आस्किड मोहन इफ ही फाउंड हर बुक। अब देखिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस, अब इससे पहले आप इस पहले वाले दूसरे वाले को समझिए, यहाँ पर दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो है, यानी मोहन की बारी है अब कहने की। मोहन कहता है रेखा से, और मोहन किससे कहेगा, रेखा से, क्या कह रहा है, आई हैड नॉट फाउंड योर बुक, यानी रेखा ने मोहन से ही पूछा कि क्या तुमको मेरी किताब मिली, तो मोहन ने उसका जवाब दिया कि आई हैड नॉट फाउंड योर बुक, यानी मुझको तुम्हारी किताब नहीं मिली। तो इतना इन्होंने लिखा है मोहन, और ये खालिस्तान छोड़ दिया, इन्हीं को आपको बनाया है मोहन, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड, तो मोहन टोल्ड हर, और फिर कनेक्टिव दैट लग जाएगा, और दैट के बाद में ही से आगे सेंटेंस को बढ़ाएंगे, यानी ही यहाँ पर इन्होंने लिख लिया ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कर्ता मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ही हो गया, और हैड नॉट फाउंड, हैड, हैड जो होता है वो हैड ही रहता है, हैड नॉट फाउंड, हैड नॉट फाउंड। अब ये योर यहाँ पर आ गया, तो योर किसके लिए आया है, रे, यानी हर के लिए, यानी हर जो आया यहाँ पर हर के लिए आया, तो हर में हम इसको चेंज कर देंगे, नॉट फाउंड हर बुक, यानी रेखा के लिए आया है इसलिए रेखा लड़की है तो हर यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरह हो गया, मोहन टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट फाउंड हर बुक। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगला आगे बातचीत चल रही है और फिर रेखा पूछ रही है मोहन से, आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो थर्ड में आइए, रेखा टोल्ड, रेखा ने किससे कहा, मोहन से, तो रेखा टोल्ड हिम, या तो हिम लिख दो या मोहन लिख दो, रेखा टोल्ड मोहन, मोहन दैट, और दैट कनेक्टिव लग गया दैट। अब यहाँ पर आइए आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो रेखा के अकॉर्डिंग, तो आपको लिखना है रेखा टोल्ड मोहन दैट सी, और फिर हैड, हैड आगे आया हुआ है यहाँ पर, यानी हैव का हैड हो गया, और लॉस्ट माय बुक, लॉस्ट, अब यहाँ पर माई आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कौन है, रेखा, तो माई की जगह आप लिखेंगे हर बुक। अब इस तरह पढ़ेंगे इसको, यानी रेखा टोल्ड मोहन दैट सी हैड, सी हैड लॉस्ट हर बुक। चलो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, चौथा वाला, यानी बातचीत चल रही है अभी, ये फोर वाला देखिए, यहाँ ऊपर पढ़िए इसको, यानी ये मोहन अब रेखा से कह रहा, मोहन कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसको बदलना है। ये फोर देखिए, तो मोहन आस्किड, मोहन आस्किड हर, मोहन आस्किड हर, आप कनेक्टिव क्या लगाना है, यहाँ पर कैन आ रहा है तो इफ़ आप कनेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड होते तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव बन जाते, लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है आई, आई का, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोहन के अकॉर्डिंग, इफ ही, इफ ही, और कैन का कर देंगे हम कुड, कैन का कुड कर देंगे, इफ़ ही कुड हेल्प, और फिर ये आया यू, यू किसके अकॉर्डिंग आया है, हर के, तो हर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यू, तो इफ़ ही कुड हेल्प हर, और ये फुल स्टॉप लगा दिया। एक बार पढ़ के देख लीजिए इसको, यानी मोहन आस्किड हर इफ ही कुड हेल्प हर। चलो अब लास्ट वाला देखिए, इसमें पाँचवा क्वेश्चन नंबर फाइव, यानी इस डायलॉग का, यानी रेखा मोहन से कहती है कि आई नीड योर बुक, आई नीड योर बुक, यानी सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड का यूज़ हम करेंगे, तो रेखा टोल्ड, रेखा टोल्ड, रेखा टोल्ड मोहन, क्योंकि मोहन से ही कह रही है वो, रेखा टोल्ड मोहन दैट, कनेक्टिव दैट लग गया। अब ये आई जो है प्रोनाउन, ये रेखा के अकॉर्डिंग चेंज होगा कर्ता के अकॉर्डिंग, तो सी, यानी रेखा टोल्ड मोहन दैट सी, और ये क्रिया की जो पहली फॉर्म है इसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, सी नीडेड योर, योर का यहाँ पर कर देंगे हम हिम,
यहाँ पर हम इसका हिज कर देंगे हिज बुक, और ये इस तरह पूरा हो गया। अब आपका सेंटेंस यानी रेखा टोल्ड मोहन दैट सी नीडेड हिज बुक। तो प्यारे बच्चों, आज